दोस्तों, कैंसर के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि ये बेहद खतरनाक बीमारी है। कैंसर का रोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। करीब 5000 यूएस वेस्टर्न फ्लाइट असिस्टेंट्स पर की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि फ्लाइट के क्रू मेंबर्स यानी कर्मी दल के सदस्यों में कैंसर होने का खतरा औसत से बहुत अधिक हुआ है। ये स्टडी एनवायरमेंटल हेल्थ नाम के जर्नल के में पब्लिश हुई है। इस स्टडी के को ऑर्थर और हार्वर्ड टीएच स्कूल की अनुसंधानकर्ता ईरानी मखुर्जविच कहती हैं कि फ्लाइट्स के क्रू मेंबर्स की पूरी जिंदगी ब्रेस्ट कैंसर, मेलानोमा कैंसर और नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर होने का खतरा आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। वहीं स्टडी के शोध में हुआ 15% कैंसर की पहचान। रीना कहती हैं कि इस स्टडी के नतीजे हैरान करने वाले हैं क्योंकि फ्लाइट असिस्टेंट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स जैसे व्यवसाय में जो लोग शामिल होते हैं उनका वजन अधिक होना और उनके स्मोकिंग करने की संभावना बेहद कम होती है। इस स्टडी में 5,366 फ्लाइट असिस्टेंट्स को शामिल किया गया था जिसमें से करीब 15% में कैंसर की पहचान हुई। वही कैंसरकारी तत्वों के संपर्क में रहना है खतरनाक। स्टडी के अनुसंधानकर्ताओं की माने तो फ्लाइट क्रू मेंबर्स में कैंसर का खतरा इस वजह से अधिक होता है क्योंकि फ्लाइट क्रू मेंबर्स नियमित रूप से कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में रहते हैं जिसमें स्पेस का कॉस्मिक रेडिएशन, शरीर की आंतरिक घड़ी में हर वक्त खलल पड़ना, नींद पूरी ना होना और वर्कलेस के साथ ही घर पर अनियमित शेड्यूल होना जैसी चीजें शामिल है। स्टडी के ऑथर ने 2013-14 में हुई फ्लाइट असिस्टेंट हेल्थ स्टडी के डेटा का इस्तेमाल किया जो फ्लाइट क्रू मेंबर्स की सेहत पर 2007 से नजर बनाए हुए। तो ये थे वो बड़े कारण जिस वजह से कैंसर अपनी चपेट में फ्लाइट के क्रू मेंबर्स यानी कर्मी दल को ले रहा है। तो अगर जो भी फ्लाइट के क्रू मेंबर्स हैं उन्हें अगर इस समस्या से बचना है तो अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा जिसमें उसे व्यायाम, योगा और अपने फिजिकल एक्सरसाइज पर भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्यूरियन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट।